हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो अब हम लोग शुरू करेंगे अपना करंट अफेयर्स का लेक्चर नंबर 14। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने लेक्चर नंबर 12, 13 जो है वो देखे होंगे, और जो मैं आप लोग को साथ साथ में शॉर्ट नोट्स बताता जा रहा हूँ उसको आप लोग फॉलोअप जो है वो करते जा रहे हैं। चलिए एक और लेक्चर लेते हैं हम लोग लेक्चर नंबर 14 को, और देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो सबसे पहला जो है आप देखिएगा, वर्ल्ड पोएट्री डे, ठीक है। रेफरेंस साइट पे लिखिए वर्ल्ड पोएट्री डे, ठीक है। एग्जाम में पूछ सकता है कि वर्ल्ड पोएट्री डे जो है वो हम लोग हर साल कब मनाते हैं, अगर कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आप लिखेंगे 21 मार्च को, ठीक है। 21 मार्च को हर साल हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड पोएट्री डे जो है सेलिब्रेट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे और लिखिएगा बाइजूस, BYJUS, बाइजूस। तो भाई बाइजूस जो है वो न्यूज में क्यों रहा, उसकी क्या वजह है न्यूज में रहने की। तो बाइजूस बिकम द फर्स्ट, लिख दो इसको, बिकम द फर्स्ट इंडियन कंपनी, ठीक है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से, फर्स्ट इंडियन कंपनी विच गोइंग टू स्पॉन्सर, किसको, विच गोइंग टू स्पॉन्सर फीफा वर्ल्ड कप 2022, ठीक है। फीफा वर्ल्ड कप 2022, ठीक है। ये पहली ऐसी कंपनी हो रही है जो फीफा वर्ल्ड कप में जो है इसके क्या होंगे, लोगो आप पे लगे आपको मिलेंगे। फिर यहीं से अगर हम कुछ फीफा वर्ल्ड कप के बारे में फैक्ट जो है वो अगर लिख लें तो लिख लीजिए, फीफा वर्ल्ड कप एग्जाम में आ सकता है। तो इस बार का जो फीफा वर्ल्ड कप 2022 है वो कहाँ ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो आप टिक करके आओगे कतर में, ठीक है, QATAR। तो प्लेस क्या हो गई, कतर हो गई। और अगर एग्जाम में आता है कि उसकी डेट क्या है, कब से कब तक आपका ये वर्ल्ड कप जो है वो ऑर्गेनाइज होगा, देन यू गोइंग टू टेक 20 नवंबर से शुरू होगा ये 2022 से, और आपका ये 18 दिसंबर तक 2022 तक क्या करेगा, ये जो टूर्नामेंट है वो आपका चलेगा, ठीक है। और इट विल बी वॉट 22nd रनिंग ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप कॉम्पिटिशन, यानी कि जो आपका ये होने वाला है 22nd आपका रनिंग कॉम्पिटिशन होगी, ठीक। अगर ऑफिशियल आपसे पूछ ले कि इसका मैस्कॉट क्या है, तो इसको लिख लो ऑफिशियल ऑफिशियल मैस्कॉट, ठीक है, ऑफिशियल मैस्कॉट। तो जो इसका ऑफिशियल मैस्कॉट है आपका वो है लेब, LABEB, ठीक है, लाइव। ये क्या होता है, इट इज एन अरेबिक वर्ड विथ मीनिंग सुपर स्किल प्लेयर, इसको लिख लो, लाइव इज अ अरेबिक वर्ड विच मीन्स सुपर स्किल्ड व्हाट प्लेयर्स, ठीक है, सुपर स्किल्ड प्लेयर्स, इसका मतलब ये होता है। हो सकता है कि आपसे आपके एमसीक्यू में पूछ ले कि जो उसका मैस्कॉट है लाइव, उसका मतलब बताओ इन चारों में से क्या होता है, तो क्या टिक कर क्या हो गया, सुपर स्किल्ड आपका इसका मतलब होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि ऑफिशियल एम्ब्लीम जो है वो क्या है इसका, तो लिख लो EM एम्ब्लीम। तो अगर ये पूछेगा तो क्या टिक कर क्या हो गए, डिजाइन इन द विजन ऑफ एन इवेंट कनेक्ट एंड एंगेज द एंटायर वर्ल्ड विद ऑल फीचर्स, ठीक है। तो जो ऑफिशियल एम्ब्लीम है वो अरब कल्चर को क्या करता है, शो करता है, बस इतना लिख देना, शोज दी अरब कल्चर, ठीक है, शोज दी अरब कल्चर एंड एल्यूजन टू ब्यूटिफुल गेम्स, ठीक। अच्छा फिर अगर कुछ और हम लोग फीफा के बारे में समझे, जो फीफा का वर्ल्ड कप हो रहा है तो काफी चीजें इसके रिलेटेड आ सकती हैं, ठीक है। तो इस फीफा वर्ल्ड कप में 2022 में टोटल कितनी टीमें जो हैं वो पार्टिसिपेट करने वाली हैं, तो इसको लिख दो टोटल टीम्स, तो आप टिक करेंगे 22, ठीक है, 22 टीम्स में पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन ध्यान रखना कि जो 2026 का वर्ल्ड कप होगा, ठीक है, उसमें द नंबर ऑफ टीम हैज बीन इंक्रीज एंड 2022 के वर्ल्ड कप में 48 टीम्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे 22 टीम से कितना इंक्रीज कर दिया गया है, 48 टीम्स जो हैं दे गोइंग टू पार्टिसिपेट इन 2026 वर्ल्ड कप, ठीक है।
और 2026 का वर्ल्ड कप कहाँ होने वाला है वो भी यहीं पे लिख देते हैं, वेयर विल बी गोइंग टू हेल्ड इन 2026। तो ये आपका तीन कंट्रीज में होगा एक साथ, यूएसए, उसके बाद मैक्सिको, मैक्सिको एंड आपका कनाडा। ठीक है, तो 2026 का जो वर्ल्ड कप है तीन कंट्रियों में, 48 टीम्स इसमें क्या करेंगी, पार्टिसिपेट करेंगी, और 2026 में आपका वहां पर होगा। ठीक, अच्छा जो पहला मैच होगा इसका, किसका, 22 का, जो भी नवंबर में होगा, वो जो फर्स्ट मैच होगा वो खेला जाएगा बिटवीन कतर एंड इक्वाडोर। इसको लिख लो, फर्स्ट मैच ऑफ दिस टूर्नामेंट हेल्ड बिटवीन कतर वर्सेस इक्वाडोर। ठीक है, इक्वाडोर, ये पहला मैच आपका होने जा रहा है। ठीक है, चलिए, और यहीं से अगर थोड़ा सा और फीफा के बारे में पढ़ें कि फीफा का जो आपका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, तो क्या टिक करके आओगे, ज्यूरिच। ठीक है, तो ज्यूरिच में क्या है इसका हेडक्वार्टर है, ये कहाँ हुआ, ज्यूरिच आपका स्विट्जरलैंड में हुआ। ठीक है, स्विट्जरलैंड में आपका। ठीक है, और इसके जो अभी प्रेसिडेंट हैं आपके फीफा के वो कौन है, गियानी, GIANN, गियानी इन्फेंटिनो। ठीक है, ज्ञानी इन्फेंटिनो वॉज द चेयरमैन। ठीक, बस इतना भी आप लोग याद कर लो, दैट इज सफिशिएंट। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है आपका, दैट इज हमारा, आपको पता होगा हमारे उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, पुष्कर सिंह धामी जो है, पुष्कर सिंह धामी वो क्या बने हैं उत्तराखंड के, पूछेगा क्वेश्चन में कि किस नंबर के चीफ मिनिस्टर आपके बने हैं, तो आप पिक करेंगे 11th, ये बिकम द 11th चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला एक पर्सन है आपके, आशीष, आशीष झा। ठीक है, अब ये आशीष झा जो है ये इंडियन ओरिजिन डॉक्टर है, इसमें लिख दो पहला, तो फर्स्ट पॉइंट इंडियन ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन डॉक्टर, इंडियन ओरिजिन डॉक्टर, तो भाई किस वजह से न्यूज में रहे, बिकॉज ही अपॉइंटेड एज व्हाट, अपॉइंटेड एज व्हाइट हाउस कोऑर्डिनेटर फॉर कोविड-19 रिस्पॉन्स। अपॉइंटेड एज व्हाइट हाउस, जहाँ यूएसए के प्रेसिडेंट रहते हैं, व्हाइट हाउस कोऑर्डिनेटर। ठीक है, कोऑर्डिनेटर फॉर द कोविड-19 रिस्पॉन्स। ठीक है, कोविड-19 रिस्पॉन्स, बहुत इम्पोर्टेंट जो है इनको पोस्ट दी। ठीक है, अब यहीं से थोड़ा सा अगर हम फैक्ट जो अक्सर एग्जामों में आपके आ रहा है फिर से रिपीट हो सकता है कि जो कोविड-19 जो वैक्सीन्स हैं वो किस तरीके से हमारे यहाँ जो है डेवलप की गई है। ठीक है, कोविड-19 क्या वैक्सीन्स, तो उसको एक बार समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट्स एक चीज ध्यान रखना, राइट नाउ जो आपकी टाइप ऑफ, इसको मैं लिख देता हूँ, टाइप ऑफ आपकी कोविड जो आपकी क्या है वैक्सीन्स हैं इस समय, वो देर आर मेनली व्हाट फॉलोइंग टाइप्स, पहला जो है दैट इज मैसेंजर आरएनए वैक्सीन। ठीक है, पहली जो वैक्सीन है दैट इज मैसेंजर आरएनए वैक्सीन। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल जो है अभी जो मैसेंजर आरएनए बेस्ड वैक्सीन है दैट इज फाइजर। ठीक है, फाइजर ने जो कोविड-19 के अगेंस्ट में वैक्सीन लॉन्च की है, एंड दूसरा आपका मॉडर्न। तो मॉडर्ना की जो वैक्सीन होगी क्या टिक करोगे, मैसेंजर आरएनए बेस्ड वैक्सीन है, और जो फाइजर की वैक्सीन है वो भी क्या है, मैसेंजर आरएनए बेस्ड वैक्सीन है। दूसरी जो वैक्सीन है वो है आपकी टाइप ऑफ वैक्सीन, वो है वायरल वेक्टर। ठीक है, वायरल वेक्टर वैक्सीन, वायरल वेक्टर वैक्सीन। ठीक है, इसका मोड ऑफ ऑपरेशन अलग तरीके से काम करता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो जो हम सब मैक्सिमम इंडियंस ने लगवाई है, यानी कि हमने वायरल वेक्टर वैक्सीन लगवाई है, दैट इज कोविडशील्ड।
ठीक है, कोविड, कोविशील्ड, एंड दूसरी जो आपकी इसी टेक्नोलॉजी पे बनी है वैक्सीन, दैट इज स्पुटनिक 5। ठीक है, स्पुटनिक, स्पुटनिक 5, ठीक है, स्पुटनिक 5 वैक्सीन। ये दोनों जो आपकी वैक्सीन है वो क्या है, वायरल वेक्टर वैक्सीन है। और एक जो थर्ड आपकी टाइप की वैक्सीन जो है इस समय, वो है आपकी इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। ठीक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, ये थर्ड टाइप की वैक्सीन है, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। और इसका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम लोग यूज कर रहे हैं वो है कोवैक्सीन, कोवैक्सीन। ठीक है, तो ये मेनली 3 टाइप की कोविड वैक्सीन जो है पूरी दुनिया में इस समय लोग लगवा रहे हैं। मैसेंजर आरएनए बेस वैक्सीन हो गई, या वायरल वेक्टर वैक्सीन हो गई, या आपकी इनएक्टिवेटेड वैक्सीन हो गई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक और आप लोग लिख लीजिए जो आपके शायद काम आ जाए, क्योंकि बायो से करंट अफेयर्स क्वेश्चन बन जाते हैं। और वो है आपका क्या कि टाइप ऑफ वैक्सीन अगर और चलें तो एक आपकी होती है सब यूनिट वैक्सीन। ठीक है, सब यूनिट वैक्सीन। एक सेकेंड टाइप की आपकी होती है रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। एक थर्ड टाइप की आपकी होती है पॉली सैकेराइडस, पॉली सैकेराइडस वैक्सीन। और एक फोर्थ टाइप की आपकी वैक्सीन होती है कॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेटेड वैक्सीन। ठीक है, कॉन्जुगेटेड वैक्सीन। तो जो मार्केट में चल रही होती है यही सब की बनी होती है। और इन्हीं टाइप के वैक्सीन से, चाहे वो आपका क्या हो, हेपेटाइटिस बी डिजीज हो, या एचपीवी डिजीज हो, या न्यूमोनिया डिजीज हो, सब में इसी टेक्नोलॉजी का हम लोग क्या कर रहे होते हैं, यूज कर रहे हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स। लिखिएगा एक्सपोर्ट ठीक है, प्रिपेयरनेस इंडेक्स। ठीक है, एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स की बात करें, इसको हम लोग शॉर्ट में ईपीआई बोलते हैं। तो ये जो इंडेक्स होता है, ये आपका किसने पब्लिश किया, अगर एग्जाम में आएगा तो आप टिक करोगे नीति आयोग। ठीक है, इस बार पब्लिश बाय नीति आयोग। इसमें जो टॉप स्टेट रहा परफॉर्मेंस के बेसिस पे, टॉप स्टेट जो रहा आपका, दैट बिकम्स गुजरात। ठीक है, दैट बिकम्स गुजरात। और मेन तौर पे अगर हम इसके क्या कहते हैं पिलर्स देखें, कि जिस बेसिस पे ये अवार्ड्स मिलते हैं, पिलर्स देखें तो देयर आर 4 पिलर्स। सबसे पहला पॉलिसी, तो गुजरात ने अच्छी पॉलिसी बनाई होगी। सेकेंड आपका जो है बिजनेस इकोसिस्टम, ठीक, बिजनेस इकोसिस्टम। थर्ड जो है आपका है एक्सपोर्ट बिजनेस इकोसिस्टम, ठीक है, या एक्सपोर्ट इकोसिस्टम। और आपका क्या कहते हैं एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, ठीक, परफॉर्मेंस। तो ये 4 आपकी ऐसी चीजें हैं जिनके बेसिस पे जो है ये अवार्ड्स दिए जाते हैं, जिसमें आपके किसने टॉप किया, गुजरात ने आपके टॉप किया। चलो अगला देखते हैं हम लोग। अगला है आपका, लिखिए बी चंद्र, ठीक है, चंद्रशेखर। तो ही वॉज अपॉइंटेड एज न्यू कमांडेंट ऑफ इंडियन एयरफोर्स अकेडमी। इसको लिखो न्यू कमांडेंट, न्यू कमांडेंट ऑफ इंडियन एयरफोर्स अकेडमी। राइट इट डाउन, इंडियन एयरफोर्स अकेडमी, जैसे हमारी इंडियन मिलिट्री अकेडमी हमारे देहरादून में, वैसे ये क्या हो गई, इंडियन एयरफोर्स अकेडमी। इसके जो नए कमांडेंट है वो ये चुनेंगे। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला है आपका, लिखिएगा
वर्ल्ड हैप्पीनेस, ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022। ठीक, सबसे पहला पॉइंट कि इसमें इंडिया की जो पोजीशन है हमारी वो क्या रही है, इंडिया की रैंक, तो आप टिक करके आएंगे 136 जो है हमारी क्या है रैंक, ठीक है। देन उसके बाद ये जो सेकंड क्वेश्चन आ सकता है कि जो ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है वॉज पब्लिश्ड बाय, तो टिक करोगे वॉज पब्लिश्ड बाय यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क, ठीक है, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल, यहां तक लिख लो, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क, डेवलपमेंट सोल्यूशन, ठीक है, डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क, ठीक, डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क, इसने क्या की है, पब्लिश की है। अब इस रिपोर्ट में, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में जो टॉप की कंट्री है, टॉप पोजीशन पे जो कंट्री है वो है आपकी फिनलैंड, ठीक है, यानी कि फिनलैंड के क्या है, इज द हैप्पीएस्ट कंट्री इन दी वर्ल्ड, ठीक। और उसके बाद ये जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट होती है इसके अगर हम लोग बात करें पैरामीटर्स की या आइडियाज की, किस बेसिस पे ये रैंकिंग होती है कि भाई हमारी रैंकिंग जो है इंडिया की 136 रखी गई है और फिनलैंड की जो है वो टॉप पर रखी गई है, तो इसका जो पहला की आइडिया है वो है आपका क्या, लाइफ इवैल्यूएशन, ठीक है, लिख दो पैरामीटर्स, लिख दो ऐसे करके पैरामीटर्स, तो पहला पैरामीटर लिखो आपका व्हाट, लाइफ लाइफ इवैल्यूएशन, ठीक है, इवैल्यूएशन, लाइफ इवैल्यूएशन जो है पहला पैरामीटर है, ठीक है। और सेकंड आपका जो है सेकंड आपका है की एलिमेंट्स, की एलिमेंट्स फॉर ह्यूमन बीइंग्स। अब यहाँ पर की एलिमेंट्स फॉर ह्यूमन बीइंग्स का मींस क्या, जैसे की एलिमेंट में क्या हो गया, फूड हो गया, शेल्टर हो गया, एजुकेशन हो गया, ये सब क्या हो गए, की एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। देन उसके बाद थर्ड थिंग क्या इन्होंने देखी है, रियल जीडीपी पर कैपिटा, ठीक है, रियल जीडीपी पर कैपिटा, रियल जीडीपी पर कैपिटा, देन सोशल सपोर्ट हो गया, हेल्थ बताई दिया मैंने आपको, परसेप्शन ऑफ करप्शन हो गया, ये भी लिखो इसके पैरामीटर में है, करप्शन है ना, परसेप्शन ऑफ करप्शन, परसेप्शन ऑफ व्हाट, करप्शन, ये भी इसके अंदर पैरामीटर जो है वो रखे गए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट जो आपका है दैट इज नेशनल इम्यूनाइजेशन डे, ठीक है, नेशनल इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन डे, नेशनल इम्यूनाइजेशन डे, ये हम लोग हर साल कब मनाते हैं, तो आप टिकर क्या ना 16 मार्च को, ठीक है, 16 मार्च को जो है हम लोग व्हाट, वी सेलिब्रेटेड नेशनल इम्यूनाइजेशन डे, ठीक। और इसकी अगर हम बात करें, ये नेशनल इम्यूनाइजेशन डे की हिस्ट्री की बात करें, तो दैट वाज स्टार्टेड, ये कब से स्टार्ट हुआ था हमारा सेलिब्रेट करना, 1995 इन इंडिया, तब से हम लोग जो है हर साल 16 मार्च को नेशनल इम्यूनाइजेशन डे जो है वो क्या कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर, ठीक है, एक तो ये हो गया। और इसी के अंडर में अगर आप देखो तो पल्स पोलियो प्रोग्राम हो गया, या मिशन रेनबो हो गया, ठीक है, मिशन रेनबो, मिशन रेनबो हो गया, इसमें व्हाट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइडिंग 7 वैक्सीन्स, ठीक है, 7 वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट जो बच्चों को प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है। देन अगर पूछ ले कि 2022 का जो नेशनल इम्यूनाइजेशन है डे था उसका थीम क्या था, एक बार थीम पूछ लेता है, थीम जो था वो था वैक्सीन वर्क फॉर ऑल, तो लिख लो वैक्सीन्स, वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल, ठीक
ठीक है, ये क्या था इसका थीम था, तो ये थोड़ा सा आप लोग याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका, लिखिएगा कैथलीन नोवाक, कैथलीन नोवाक। अब ये न्यूज में क्यों रही, देखिए, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ हंगरी, ठीक फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ हंगरी, ये आपकी क्या हुई है, अपॉइंट हुई है, ठीक है, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ हंगरी। और एक लास्ट लिख लो आप इस सेशन का, सुषमा स्वराज पुरस्कार, लिखिएगा इसमें सुषमा स्वराज, सुषमा स्वराज पुरस्कार या अवार्ड, ठीक है, सुषमा स्वराज अवार्ड जो है टू वुमेन के लिए है, ये किसने आपका शुरू किया है, तो गोइंग टू टेक बाय दी हरियाणा गवर्नमेंट, महिलाओं को देंगे बाय दी हरियाणा गवर्नमेंट, ठीक। चलिए ये सेशन का करंट अफेयर्स हम लोग इतना यहाँ तक रखते हैं।